इधर पनागढ़ थाना क्षेत्र स्थित शासकीय विद्यालय में एक नवमी कक्षा की छात्रा को यह कहकर प्राचार्य द्वारा टीसी दी जा रही थी कि उसका नामांकन नहीं हो रहा है और वह दोबारा कक्षा नवमी में अन्य स्कूल में एडमिशन ले। माता पिता द्वारा स्कूल में जाकर जानकारी ली गई तो प्राचार्य ने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ मना कर दिया और बच्ची का अन्य स्कूलों में कक्षा नवमी में एडमिशन करवा कर पढ़ाई आगे करवाने की सलाह दे दी। परेशान पिता कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी बच्ची का भविष्य बचाने की कलेक्टर से गुहार लगाई। ग्राम भरदा पड़रिया पनागर की रहने वाली प्रदीप शर्मा बताते हैं कि उनकी बेटी रानी शर्मा कक्षा नौवीं तक पनागर शासकीय स्कूल में पढ़ती आ रही है। कक्षा नौवीं के बीच सत्र में उसे बुलाकर यह कहा गया कि उसका नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए वह स्कूल से टीसी लेकर अन्य जगह फिर से कक्षा नौवीं में एडमिशन ले। परेशान पिता का कहना है कि स्कूल की तकनीकी गलती के चलते उनकी बेटी का साल बर्बाद हो रहा है, जिसके चलते उनकी बच्ची तनाव में है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी तंत्र की इस तकनीकी गलती की बलि उनकी बेटी ना चढ़े और उसकी पढ़ाई जारी रहे। हाँ, नाम बताना। हाँ, बताएं बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे को स्कूल से निकाला जा रहा है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनांगर है। मैं वहाँ कक्षा पहली से पढ़ी हूँ, अभी नौवीं तक पढ़ रही हूँ और मेरी डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ सही है, तो मैम बोल रही है कि तुम्हारा नामांकन नहीं हो रहा, तुम घर में बैठो। इससे क्या दिक्कत आ रही है? इससे ये दिक्कत आ रही कि मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भविष्य खराब ना हो। इधर कलेक्टर ऑफिस में आई हूँ तो मैं ये चाहती कि मेरी सुनवाई हो और इस सुनवाई में कार्रवाई स्टार्ट हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नामांकन की प्रॉब्लम है? मैं एक सिंगल लड़की हूँ। अच्छा, अभी कलेक्टर में आ पाई तो क्या बातचीत हुई? वहाँ पे अभी एप्लीकेशन दे दिए हैं। क्या बोला? कुछ नहीं, सील लगा के दे दिए उन्होंने। नाम बताओ। मेरा नाम रानी शर्मा है। कहाँ से है? मैं ग्राम भरदा परड़िया पनांगर। जी बताया। मेरी बच्ची शासकीय स्कूल में पढ़ती है और अभी तक कोई समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन अभी नौवीं में मैडम लोग हम लोग को बुलाती हैं और पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं जन्मतिथि ठीक नहीं है, कहीं किसी चीज़ में ठीक नहीं है, तो सब ठीक करवाने के बावजूद भी जब गए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो वो कह रहे नामांकन नहीं हो रहा है। इस उम्र में बच्ची इस क्लास तक कैसे आई, ये आपकी गलती है, इसलिए मैं नाम यहाँ से काट के आपको टीसी दे रही हैं और आप दोबारा नौवीं फिर से पढ़ाना। ये किसने कहा? प्रिंसिपल मैडम ने। क्या नाम है? जी नाम रेखा खरीब नाम जी। तो मैडम से मैंने बोला भी कि आप जो भी कोई संतोषजनक मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा है कि बच्चे को क्यों निकाला जा रहा है, तो आप मेरे को लिखित रूप में दे दीजिए ताकि मैं किसी को बता सकूं, कोई अधिकारी जब मेरे से पूछता है कि क्यों निकाला जा रहा है तो स्पष्टीकरण के लिए मैं दिखा सकूं वो कागज़। मैडम ने उसको भी देने से मना कर दी और मैं ये चाहता हूं कि बच्ची का भविष्य बर्बाद ना हो और वो अच्छी जो वहां पढ़ती आ रही थी तो अभी भी वो पढ़ती रहे, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट अगर उनका कुछ है कंप्यूटर से जुड़ी तो उसमें हम लोग का कोई दोष नहीं है। अब हम लोग का क्या दोष है? हम लोग तो वहाँ से नामांकन करेंगे नहीं, तो आप लोग से निवेदन है कि मेरी बच्ची वहाँ पर जो आज पढ़ रही घर में जाके रो रो के हाल बेहाल होता है इसका। बीच सत्र में बच्ची को निकाला जा रहा है तो क्या इसके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? ये रो रो के खाना पीना सब छोड़ के रखी है और इससे पहले भी इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो आप तो इसके ऊपर अगर कुछ होता है तो अब हमको ही बड़ा दुख होता है। घर में बैठे रोती रोज स्कूल जा रही, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता है कि मेरी बच्ची पढ़े वहाँ पे और जो भी मतलब इसमें जो रुकावट आ रही है नामांकन से संबंधित या कुछ भी, तो वो स्पष्ट रूप से बताएं और उसका निराकरण हो, मैं ये चाहता हूँ। आपका नाम? प्रदीप शर्मा नाम है मेरा। क्या करते हैं? जी मैं पूजन पाठ का काम करता हूँ।